आज देखें जिन्होंने बीएड किए थे आज सबका आज जॉब लगा हुआ है, लेकिन अब बीएड का क्रेसिस बढ़ गया है, उसका पेमेंट लोग ले रहे हैं 80,000 85,000 1.5 लाख 2 लाख के बीच में जा रही है, लेकिन हमारी कॉलेज जो है वो मात्र 57,000 में इस बीएड को पूरा करने जा रही है। जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे उनको रहने का खाने का फ्री सेवा दिया जाएगा हमारे कॉलेज के माध्यम से। तो गरीब के लिए हम लोग लेके आए हैं मात्र 57,000 में, वो भी आसान किस्तों में पेमेंट करना है और अपना बीएड को पूरा करना है। तो नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। अभी बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर के एक शिक्षकों की जो बहाली है उसको लेकर के बाढ़ आई हुई है, लोग वहाँ वो की स्थिति में है बीएड को लेकर के। तो अमूमन जो देखा जाता है कि बीएड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें अगर लोग दाखिला लेते हैं तो 2 से 2.5 लाख रुपए तक का खर्च हो जाता है। इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जब माहौल ही ऐसा है और लोग जो बीपीएससी है उसको लेकर के जो युवा है लगातार फॉर्म भी भर रहे हैं और बीएड को लेकर के भी इधर उधर घूम रहे हैं। तो हमारे साथ सुजीत कुमार मंडल जी हैं, हम इनसे जानेंगे। सुजीत जी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो जिस तरह से पैसे अधिक लिया जाता है, तो क्या कुछ स्कोप है बीएड को लेकर के, और बच्चों को क्या कहेंगे जो युवा है बीएड करना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेज होगा? जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया सोशल मीडिया एक इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म है कि जिसके वजह से आप एक जगह से सारी जगहों को बात कर अपनी बात को फैला सकते हैं, और सारी जगह आप नहीं जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी आवाज़ को इस मीडिया सोशल मीडिया के साइड से पूरे जगह को आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने बीएड के बारे में पूछा। अभी बीएड इतनी बड़ी क्रेसिस चल रही है हमारे बिहार के अंदर में, लोगों ने पहले सोचते थे बीएड नहीं करेंगे तो क्या होगा, कर लेंगे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन बीएड जब आई, बीपीएससी की बहाली आई, आज देखें जिन्होंने बीएड किए थे आज सबका आज जॉब लगा हुआ है। लेकिन अब बीएड का क्रेसिस बढ़ गया है, उसका पेमेंट लोग ले रहे हैं 80,000 85,000 1.5 लाख 2 लाख के बीच में जा रही है, लेकिन हमारी कॉलेज जो है वो मात्र 57,000 में इस बीएड को पूरा करने जा रही है। आपको इस एंट्रेंस के माध्यम से आप देख सकते हैं हमारे कॉलेज के पहले सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे। जो तो पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका कॉलेज कहाँ है, क्या नाम है, कुछ जगह। हमारी कॉल पहले तो हमारी यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी सरकारी यूनिवर्सिटी है, और उनके अंतर्गत जो हमारे कॉलेज है डॉक्टर बीपीएस कॉलेज है। तो आप इस साइड से हमारे साइड के माध्यम से देख सकते हैं। थोड़ा दिखा रहे हैं कि जो साइड है सुजीत जी दिखा रहे हैं कंप्यूटर पर। आप पहले सबसे पहले सरकारीरिजल्ट.com पे जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे लेटेस्ट जॉब के नीचे आप यहाँ देख सकते हैं एडमिशन, एडमिशन के नीचे यहाँ यूपी बीएड काउंसलिंग के माध्यम से हमारा कॉलेज एडमिशन लेते हैं, यूपी बीएड 2024। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि ये 10/2 से 24 से लेकर 3/3/24 तक लास्ट डेट है, लेकिन फाइन डेट के साथ 10 के बाद होगा नहीं, इसका फॉर्म फिलअप नहीं हो सकता है। साथ ही साथ इसका एग्ज़ाम होगा 24 अप्रैल को, एडमिट कार्ड आएगा 17 अप्रैल को, रिजल्ट डिक्लेयर होगा 30 मई को, और काउंसलिंग होगा जून में। अब यहां देख सकते हैं, मैंने अपने आपको बताया था सर कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि यूपी बीएड में इनमें भागीदारी ले रही है, पार्टिसिपेंट कर रही है। तो ये देख सकते हैं हमारा यूनिवर्सिटी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। साथ ही साथ इस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अंतर्गत हमारे जो कॉलेज हैं उनको आप देख सकते हैं इस टाइप से। ये आप क्या करेंगे, सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डालेंगे, इस टाइप से आपका फेस खुल के आएगा। ये देख सकते हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये शॉर्ट नाम है DBRU आगरा एफिलेटेड कॉलेज लिस्ट। इस पे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे ये पहला पेज है। इस पेज को आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, दोनों पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुल के आएगा, और अगला पेज में देख सकते हैं डॉक्टर बीपीएस कॉलेज आगरा है, जो कि ये हम उनके साथ जो काम करवाते हैं बच्चों को, इसमें दिक्कत नहीं होगी क्योंकि गरीब बच्चे भी इस बीएड को कर सकते हैं। पहले क्या होता था सर कि बीएड करने के लिए दिमाग में चलता था कि हम 1 लाख रखो तब बीएड करो, लेकिन अब गरीब बच्चे भी इस बीएड को कर सकते हैं क्योंकि उसको आप टेंशन नहीं होगा, क्योंकि पैसा पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगी और बीएड कर सकते हैं गरीब बच्चे भी। साथ ही साथ इसके साथ हमारा एक और स्कीम है, जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे उनको रहने का खाने का फ्री सेवा दिया जाएगा हमारे कॉलेज के माध्यम से। क्योंकि कहावत है कि सब बच्चे तो कर सकते हैं बीएड, लेकिन गरीब को कौन देखता है। तो गरीब के लिए हम लोग लेके आए हैं मात्र 57,000 में, वो भी आसान किस्तों में पेमेंट करना है और अपना बीएड को पूरा करना है। तो कैसे जो लोग हैं बीएड करना चाह रहे हैं तो कैसे आपसे संपर्क करेंगे, कहाँ आपका ऑफिस है वगैरह? ये हमारा अभी संपर्क स्थान आपको हम बता देंगे आपके माध्यम से। मेरा मोबाइल नंबर है 8677962695, और हमारा संपर्क स्थान है सहार घाट कोसी नहर के बगल में रामकृष्ण के ठीक सामने में।
निश्चित ही। तो अगर यदि आप भी बीएड करना चाहते हैं और जो जिस तरह से बीपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर के लगातार जो शिक्षकों की बहाली है वो हो रही है, और बीएड को लेकर के लोग ज़्यादा ये है कि हम कहाँ जाए, कहाँ से बीएड करें, और पैसे भी अधिक लग रहे हैं, तो निश्चित ही अगर आप भी इच्छुक हैं बीएड करना चाहते हैं तो इन्होंने सुजीत जी ने सारी बातों की जानकारी दिया। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ, हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।